वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। इना चार पौड़ियां दी मूल पंक्ति यही है, मूल विचारधारा यही है। परमात्मा दा नाम ऐसा है निरअंजन, कालक तो रहत, निर्लेप, निर्मल, अति निर्मल। पर जिसने जाने है उसने जाने है, ना वो जना सके है ना उसनु कोई जान सके है, निजी अनुभव है। इस वास्ते कहंदे ने नाम केवल ज्ञान नहीं अनुभव है। मन लेना एक अवस्था है। मैं किसे नु मन लिया है ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अगे दी गल है। या इसनु मैं इस तरह बयान करा, चलो किसे एक व्यक्ति बारे, एक तो मैं उसका नाम जानदा, एक लेबल है ये मैं जानदा। फिर मैं उसकी गोत नू जानना, फिर मैं इतना भी जानना उदे माँ बाप कौन ने, बच्चे किन्ने ने, परिवार कितना है, ये सारी जानकारी बाहर इनू कहते हैं बाहर का ज्ञान, बैरूनी ज्ञान। दूसरा कुछ दिन उसकी संगत करन तो बाद मैं उदे अंतरीव ज्ञान तो भी वाकफ हो गया, उदा सुभा की है, उदे विचार की ने, उदी सोचनी की है, उदी चितवनी की है। कुछ दिन उसदे नाल रहिंदिआं उसदे अंतरीव ज्ञान का भी पता चल गया। बैरूनी ज्ञान, मैं उसका नाम जानदा, मैं उदे थां टिकाणे नूं जानदा जिथे रहिंदा है, मैं उसके परिवार के मैंबरों को जानदा, मैं उसके रंग रूप गोत को जानदा। यह सब बैरूनी ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है। फिर मैं उसके थोड़े अंतरीव को जानदा, उसके सुभाव को जानदा, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। कुछ उसके विचारों का पता चलता है, धार्मिक है, राजनैतिक है, उसके व्यवहार तो, उसके उठन बैठन तो, उसके नाल कुछ रहन तो, उसकी सोचनी का, उसके विचारों का, उसकी चितवनिया का पता चलता है। ये अंतरीव ज्ञान है। पर इस तो बाद एक होर ज्ञान है जिसनु अनुभव भी कह देंदे ने। सारी दुनिया के मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है, अलग अलग नहीं है। मुल्क अलग अलग हो सकते हैं, जात पात अलग अलग हो सकती है, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, रंग रूप नस्ल अलग अलग हो सकती है, सब दी मूल समस्या इक्को ही है, अहंकार है, लोभ है, काम है, और कोई समस्या नहीं। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है, चाहे वो किसी मुल्क दा, किसी गोत दा, किसी रंग रूप नस्ल है, सारे मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है। ये अनुभवी ज्ञान है। इस वास्ते जद कदी कोई लोभ करके गिरेगा, हंकार करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, उसनु तरस आएगा, दया आवेगी, उन्हें पता है समस्या ही है और कोई समस्या नहीं है। ये अनुभवी ज्ञान है। ये सिर्फ बाहर का ज्ञान नहीं कि चलो मैं उसके नाम नु जानना, उसकी गोत नु जानना, उसके परिवार नु जानना,
भाषा केड़ी बोलता है, रंग रूप नस्ल के ते सब बार दी जानकारी है। कुछ दिन उसकी संगत करन तो उसके विचारों का पता चलता है, व्यवहार का पता चलता है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है। लेकिन एक है अनुभवी ज्ञान कि सारे मनुखां दी, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे मूर्ख है चाहे सियाणा है, चाहे बड़िया बड़िया डिग्रियां ने कोल बहुत पढ़ा लिखा है, दार्शनिक है, चिंतक है, फिलासफर है, या बिल्कुल मूढ़ है, समस्या एक ही है। ते भी मर्ज करते हैं सारियां दी, ये अनुभवी ज्ञान है। इस तरह मनुख लेंदा नहीं इस गल नूं, जद किसी नूं गिरदा होया देखदा है तो गिरावट की है, किधरे लोभ वस हो के बेईमान हो गया है, किधरे हंकार वस हो के हिंसक हो गया है, किधरे वासना वस हो के दुराचारी हो गया है। ये सीमा का फर्क है, डिग्री का फर्क है। वासना दे च ओ भी है, हंकार दे च ओ भी है, या लोभ दे च ओ भी है। फर्क सिर्फ इतना है, 100 डिग्री ते गर्म हो जाए पानी ते भाप बन जाता, उस तो पहले नहीं। डिग्री का फर्क हो सकता 99 ते होगा, लोभ उसके अंदर भी है। वो जब किसी नूं गिरिया होया वेखदा तो उसनूं तरस आ जाता है। ये अनुभवी ज्ञान है। ईश्वरी चिंतन करदे आ समझ पैंदी है, इस वास्ते उसनूं तरस आवेगा। अज तक किसी संत ने चोर नूं मारिया नहीं, चोर ते उसनूं तरस आया। अज तक किसी संत ने दुराचारी नाल व्यवहार गलत नहीं किया, उस दे उत्ते उसनूं तरस आया। पर जो सन्नी उपर चोर सन लांदा, किधरे चोर पकड़िया जाए गुस्ताखी माव, जिहड़े पक्के चोर ने रज के कुटणगे, उसनूं मारनगे। मारन दा मुद्दा की होवेगा, तू कम वक्त चोरी दे सफल हो गए, असी होए नहीं, कसी कदी होए नहीं, तू किस तरह सफल हो गए, ये कारण होवेगा। उसकी जिहड़ी नैतिकता है, बस डिग्री का ही फर्क है थोड़े जिहा, 99 ते होवेगा 98 ते होवेगा। संत नूं हर गिरे ते तरस आएगा, उन्हूं दिसेगा औगुण मनुख की कमजोरी है, गुण प्रभु की बख्शिश है, अकाल पुरख की रहमत है। किसी के अंदर गुणा नूं वेखेगा तो ईश्वर की उपमा करन लग पेगा, किसी के अंदर औगुणा नूं देखेगा तरस आवेगा, दया आवेगी। एक अनुभवी ज्ञान है। संसार बारे में कह रहे हैं, मनुखां बारे में कह रहे हैं। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, गल पूरी पकड़ दे चा जाए। एक तो बाहर का ज्ञान है, मैं सिर्फ उसका नाम जानदा, उसके परिवार को जानदा, मैंबर किन्ने ने, घर कित्थे, थां टिकाणा कितने, जात गोत की है, बस इन्ना। दूसरा, कुछ दिन मैं उसकी संगत की थी, 10-20 दिन महीना, उसके थोड़े जहा सुभा का पता चलिया है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, पता चल जाता है व्यवहार तो। चाहे व्यवहार तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, चाहे रंग रूप नस्ल कुछ भी है, तो चाहे नाम भी कुछ है, सारे मनुखां दी मूल समस्या इको है, चाहे हिंदुस्तानी है तो चाहे अमेरिकन है, चाहे वह अरबियन है तो चाहे ईरानी है, चाहे चीनी है तो चाहे जापानी है, सारे मनुखां दी मूल समस्या इको ही है। और ऐसा कोई देश नहीं जिथे हिंसा ना होवे, बेईमानी ना होवे, दुराचार ना होवे। तुसी किसी एक देश का भी ना लो, नहीं है, सब जगह मौजूद है। ये मनुख दी मूल समस्या है। फौज नाल, पुलिस नाल, अदालतां नाल ये मसले नहीं हल होंदे, ना अज तक हल होए ने।
और ये भी मैं अर्ज करा एक मनुख किसी का कतल कर दे अपराध है बहुत वड्डा अपराध है उदा हंकार उसनू इस हद तक हिंसात्मक बना दिता उसने एक दी जान ले ली फिर हुण कानून उसकी जान लवेगा उन्हू सजाए मौत मैं भारत विच ये दो शब्द कहे सन गल रफा दफा हो गई वरना मैनू नोटिस मिलिया सी भी तुसी अदालत के खिलाफ बोले हो कानून के खिलाफ बोले हो ये अदालत की तोहीन का मसला खड़ा हो सकता है मैं कि एक मनुख ने कतल किया है जुर्म है हुण कानून उसका कतल करे तो यह किस तरह पुन हो गया है यह किस तरह महान हो गया इसका मतलब है उन्हें कानून के दायरे च किसी नूं नहीं मारिया तो तुसी कानून के दायरे च किसी नूं फांसी ते चाड़ोगे सियाने सियाने देशां दे सजाए मौत हट गई है यह भी मैं अर्ज करा जिन्होंने गहराई दे लिया इस गल नूं हिंसक सारे ही आउंदे ने हंकार ते सारिआं दे अंदर है डिग्री का फर्क है सारिआं दी मूल समस्या हंकार है लोभ है वाशना कोई कबूल करे भावे ना करे किधरे उसनों लोभ बेईमान बना देगा किधरे उसनों अहंकार हिंसक बना देगा किधरे उसनों वाशना दुराचारी बना देगी चलो अपराधी ना बनन देवे पापी ते बनन दे देगी उदे विचारां ते सब कुछ आ जाएगा सोचनी ते आ जाएगा हिंसा उसकी सोचनी च आ जाएगी दुराचार उसके विचारां च आ जाएगा बेईमानी उदी सिमृति बन जाएगी इनू धोखा दे दें उनू धोखा दे दें उनू धोखा दे दें सारे जगत की मूल समस्या यही है ये तो चंगा होया उथे एक दार्शनिक वकील सी बड़ा सियाणा और गुरु घर का और श्रद्धालु भावें साहिदार ही सी उन्हें मैनू कहा मस्किन जी तुसी फिक्र ना करो मामूली गल है मैं निपटा लियांगा आपे मैं इतने ही आखिया सी एक मनुख कतल करता है कातल है क्योंकि उसने कानून दे दायरे च किसी नूं नहीं मारिया ते फिर कानून उसकी हत्या करता है उन्हू फांसी ते चाड़दा उन्हू मारदा है कानून दे दायरे च ते कानून दे दायरे च मारिया होया कतल किया होया इंसाफ हो गया ते कानून दे दायरे च जिसनूं नहीं मारिया वो गुनाह हो गया ये किस तरह का सोचण का ढंग है गुनाह आखिर गुनाह है कतल आखिर कतल है चाहे किसी ढंग नाल कीता जाए चाहे लोहे दे छुरे नाल कतल कीता या सोने दे छुरे नाल कतल कीता हथकड़ी आखिर हथकड़ी है चाहे लोहे दी है चाहे सोने दी है भावें किसी नूं सोने की जनीर जंजीरां नाल बन के रख दो भावें किसी नूं पित्तल दियां ते भावें किसी नूं लोहे दियां बन के ते रख दिता है अगला बनीज ते गया ते कोई मान नाल आखे नहीं जी असीं सोने की जंजीरां नाल बने है सोने के पिंजरे च बंद कीता है ना मैनूं इस संबंध च एक गाथा याद आई पुराणी मंसूर नूं जद सूली ते चाड़न लगे ते सूली तो पहले सारिआं ने उसनूं पत्थर भी मारना सी ए भी सजा सी और कसूर उसदा यही सी कि विचारा बेकसूर सी बस इन्नी गल है कसूर वारां दी महफिल दे च बिल्कुल बेकसूर होके जीवना भी कसूर हो जांदा है ए भी मर्ज करदे आं पापियां दे इकट्ठ दे च पुनीत होके जीवना भी एक पाप हो जांदा है मूर्खां दी महफिल दे च बहुत सियाणा हो जाना भी एक मूर्खता हो जांदी है बस उसका यही कसूर सी बेचारा बेकसूर सी
बादशाह दा हुकम सूली ते बाद चाड़ांगे, पहले इसनों एक एक पत्थर मारो। इस इकट्ठ दे शिवले भी सी, मंसूर दा दोस्त, जैसे मंसूर सूफी सी ओ भी सूफी सी। मंसूर ने खुदा नू समझया सी, उस दा अनुभव सी, खुदा उसकी जिंदगी सी, उन्हू प्राप्त कर लिया सी। शिवली दी समझ दे ते आई, अनुभव ते सी उसका, लेकिन अजे उस पद्धर ते नहीं सी, वह प्राप्ति नहीं सी जो मंसूर कोल सी। लेकिन इतना जरूर पता सी, मंसूर बेकसूर है। पर उन्हें देखिया हुण सारिया ने पत्थर चुक लए ने मारन वास्ते, ते मैं ना चुकया ते मैं ना मारिया, ते मैनू साथी समझ के किधर मैनू ही सूली ते ना चाड़न। हुक्म होया मारो, सारिया ने पत्थर मारे। शिवली कोल एक फुल सी गुलाब दा, उन्हें भी खिच के मारिया इंज मुठ बंद करके। सिर्फ ये समझाण वास्ते कि लोगों नू पता चले मैं भी मारिया। पत्थर लगे, हसदा रहा मंसूर, हसदा रहा। पर गजब की गल, अधे पत्थर उसनों नहीं भी लगे सन, निशाने ते नहीं लगे सन, अधे जड़े लगे है हसदा रहा। पर रब की नेत समझो, वो जो गुलाब खिच के मारे वो इत्थे मत्थे ते लगे फुल। चीख निकल गई मंसूर दी बड़ी उच्ची। शिवली कोल पहुंचे, अखां भरिया ने, मित्रा पत्थर तेरे जिसम नूं लगदे रहे, तू लहू लुहान होंदा रहा ते हसदा रहा। मैं ते फुल मारिया, और फुल भी गुलाब दा, तेरी चीख निकल गई। मंसूर कहिंदा, तू फुल भेट नहीं कीता, मारिया मारिया। सवाल यह नहीं कि हुण पत्थर नाल मारना है कि फुल नाल मारना है, मारे है, मारन नाल चोट लगी। पर पत्थर खा के ते तू हसदा रहे है? हाँ, पत्थर मारे मूर्खा ने जो मैनू नहीं जानदे, फुल मारे है उसने सियाणे ने जो मैनू जानदे। इस करके चीख निकल गई है, मेरी अवस्था नू जानदे, मैनू जानदे, मेरी तरह अनुभवी पुरुष है, ये भी पहदे च आ गया। तू मारे है फुल, जिन्होंने मैनू पत्थर मारे मेरा तन जख्मी कीता है, पर की करा तेरा मारिया या फुल ते मेरे मन तो भी पार हो गया, बहुत गहरा गया है। समझदार ने मारे है, एक फकीर ने मारे है, एक संत ने मारे है, जबकि संत का यह कर्म नहीं आता, संत की यह सोचनी नहीं आती। सवाल यह नहीं कि तू फुल मारे है, सवाल यह है कि मारे है, तू भेट नहीं कीता, मारे है। पहरी पै गया शिवली, हां मैं मारे है। मंसूर कहिंदे ने, हुण तेरे ते मैनू तरस आया है, ते जिस ते तरस आवे पछड़े होया है। तेनू देख के मैनू तरस आया, तू गिरे है, बाकी भीड़ देश तू भी गिरे है, तू भी थल्ले चला गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, अनुभवी ज्ञान दूसरे दी अत्यंत गिरावट नू वेख के भी उसनू तरस आवेगा, क्योंकि उसनू समझ आए सारिया की मूल समस्या एको ही है। जब कदी कोई गिरेगा, अहंकार करके गिरेगा, लोभ करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, और क्यों गिरेगा, यही गिरावट है। सारे संसार की मूल समस्या यही है, चाहे वह किसी मुल्क का, किसी जात का, किसी मजहब का है। ऐसे मनुख नूं कहिंदे ने यह अनुभव प्रकाश विच जीवदा है, उसनों पढ़ा लिखा मिलेगा,
अनपढ़ मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, सेना मिलेगा, हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, उसनों समझ है मूल समस्या ही है। ये बेईमान नहीं होया, सीमा विच है, नैतिक है, क्योंकि अनैतिक होने नाल समाज कबूल नहीं करता, अनैतिक होने नाल कानून सजा देंदा है, तो नैतिक होके जी रहा है वो इन अपनियां बिरतियां नू सीमा विच रख रहा है। इस वास्ते नैतिक मनुख एक संत दी दृष्टि विच ओ ने जो मन दे तलते ते अपराधी ने पापी ने अजे तन दे तलते प्रगट नहीं होया, उन्हां दे उत्ते तरस आउंदा है, अपराध तन दे तलते प्रगट नहीं होया, सीमा विच रखिया होया हंकार नू, सीमा विच रखिया होया लोभ नू, ये बेईमानी तक ना पहुंचे, किसी नू चोट ना पहुंचावे, लेकिन अंदर ते है। इसनू कहिंदे ने अनुभवी ज्ञान, पर चूंकि सारे मनुखां दी समस्या यही आउंदी, उसनू तरस आउंदा है, घृणा नहीं करदा, अगर घृणा भी करदा है तो यह अनुभवी पुरुष नहीं है, तो संसारी है, बिल्कुल दुनियावी बंदा है। अगर यह घृणा करदा है, नफरत करदा है, एक तो मैनू यह पता है कि भोजन किसने बनाया है, मैनू यह पता है, एक फिर मैनू यह भी पता है ये भोजन की है, दाल की है, सब्जी की है, ये रोटी मकई दी है, कणक दी है, मैनू समझ है। ये दूसरी समझ है मैनू, एक उसकी समझ है जिन्होंने बनाया है, एक उसकी समझ है जो बने है, ये दो समझ है। मैं फिर दोहरावा, एक तो इसकी समझ है जिसने बनाया है भोजन, एक इसकी समझ है जो बनया है भोजन, भावें बनाने वाले की समझ है, भावें बने हुए की भी समझ है, पर यह भोजन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनया, मेरा खून नहीं बनया, मेरा मांस नहीं बनया, क्योंकि मैं खादा ही नहीं, मैं छकया ही नहीं, ये भोजन मेरा खून नहीं है, ये भोजन मेरी हड्डियां दे च नहीं है, ये भोजन मेरा मांस नहीं है, ये भोजन मेरे इंद्रियों की शक्ति नहीं है, मैं भोजन बारे भी जानना, ते भोजन नू जिन्होंने बनाया है उस बारे भी जानना, फिर भी ये भोजन मैं नहीं हाँ, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। कथा कहानी सुन के, गुरबाणी पढ़ के, समझ के, एक तो मैं गुरबाणी के अर्थां नू जानदा, एक गुरबाणी मैनू कंठ है, एक कंठ है, एक मैनू अर्थ बोध का ज्ञान है, एक तो यह दो तरह की समझ है। इनू कहिंदे ने ईश्वर के संबंध बारे जानना, परमात्मा बारे जानना, एक ऐसा हुंदा है कि मनुख बाणी का रूप हो जाता है, बाणी किसनू कहिंदे ने, गुरु का रूप हो जाता है, वाकई जिस दिन सिख गुरु का रूप हो जाता है, गुरु नू कहना पैंदा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, वो परमात्मा का रूप हो जाता है, परमात्मा नू भी कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाने, ये राम ही हो गया, हुण उसके स्वभाव विच राम प्रगट होवेगा, उसके व्यवहार विच राम प्रगट होवेगा, उसके विचारां दे सोचनी विच ते राम है ही, हुण उसके रोम रोम विच राम, उसका स्वभाव है राम, उसकी जिंदगी है, हुण राम तो बिना होर कुछ भी नहीं, ये उसका निजी अनुभव है। सुनन तो बाद जो मनना है, मनना इस ढंग का नहीं जिवें आम समझिया जाता है, भई मैं मनदा नहीं, मेरे मन का हिस्सा बन गया, जो भोजन मैं खादा नहीं वो मेरे तन का हिस्सा नहीं, और जिसनों मैं मनिया नहीं वो मेरे मन का हिस्सा नहीं,
लोकी कहिंदे ते हैं असी गुरु नूं मनदे आ तां ही गुरुद्वारे आउंदे आ, असी गुरु नूं मनदे आ तां ही ते मत्था पै टेकदे आ, गुरु नूं मनदे आ तां ही ते कथा कीर्तन गुरु दी सुनन आया, पर व्यवहार दे ते गुरु प्रगट नहीं आउंदा। संध्या दा समय है, शराब की बोतल खोल के बैठा है, तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है, तेरा गुरुद्वारे आना की मैंने रखता है, तेरा कथा कीर्तन सुनना की मैंने रखता है। ये मनना नहीं है, गुरु मन का हिस्सा नहीं बनया। ये तो इंज है जिमें मैं जानदा भोजन किसने बनाया है, मैं जानदा ये भोजन की बनया है, मैं इन्ना जानदा ये दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटियां बनिया ने, इन्नी समझ है। ये जानदा किसने बनाया है, वास्तविक ये भोजन की है, ये तो उस दिन समझ पाएगी जब मैं खावांगा, मेरा खून बनेगा, मेरी मिंज ते मांस बनेगा, वो भोजन मेरा तन होवेगा। जितने चिर तक मन ही गुरु नहीं हो जाता, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ते की मनिया, कुछ भी नहीं मनिया। गुरु मन का हिस्सा बन जाता, परमात्मा मन का हिस्सा बन जाता है, तो जब परमात्मा ही मन हो जाता तो मन ते मिट गया, हुण परमात्मा ही परमात्मा है, इंज कह लो। हुण ईश्वर ही ईश्वर है, तो जिन्हां जिन्हां दे मन ने मन लिया, ये पहली पौड़ी च कल आपने सरवण किया, जिसने भी मन लिया भाव परमात्मा जिन्हां दे मन का हिस्सा बन जाता है। मैं फिर अर्ज करना, सुनना भी एक पहली स्टेज है, गुरुद्वारे आना, कथा कीर्तन सुनना, दान पुन करना, ये सब नूं शरा दे च गिण देन, कर्म कांड दे च गिण देन, एक रहत दे गिणते हैं। तो हुण इसनू इस तरह लईए, इहदी लोड़ है, लोड़ है, जिवें स्कूल दे च दाखला लेना है, लोड़ है, फिर छोटी क्लास दे च अखरां नू सीखना है, अल्फाबेट सीखना है, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ए बी सी ए सीखनी। मां बाप खुश हो जाते हैं जब बच्चा अखर लिखण लग पे, भाई मेरे बच्चे नूं अखर लिखना आ गया, ए बी सी लिखता पे, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी लिखता पे, खुश हो जाते हैं मां बाप। तो ये बच्चा हुण 12 14 साल का हो गया, अजे भी ऊड़ा ऐड़ा लिखता पे, वही मां बाप जो खुश होए सन दुखी होणगे, लै इत अजे भी ऊड़ा ऐड़ा, इत अजे भी ए बी सी। तो मां बाप नूं आखिए, पहले दिन जब इसने लिखिया सी तुसी प्रसन्न होए सी, शाबाश दे रहे सी, खुश हो रहे सी, लड्डू पे मंडदे सी, साडे बच्चे नूं लिखना आ गया, अखर लिखना आ गया, तो हुण लिखदा पिया तो दुखी क्यों हो रहा। इहनूं कहिंदे ने ग्रहण भी करना है तो छोड़ना भी है, अखर सीखने भी ने, अखर अणसिखे भी कर देने। स्कूल दे दाखला भी लेना है, पर स्कूल नू त्यागना भी है। दाखल होया स्कूल दे, मां बाप नू खुशी है, जिंदगी च कदी त्यागण दा मौका ही नहीं आया, स्कूल च ही रहा, तो स्कूल ते जेल खाना बन गया, और की है। सन 47 दे पहली दफा सी राजस्थान दे, चाहे मैंने याद है, पठानिस्तान तो ट्रेन सीधी इत्थे पहुंची सी, रिफ्यूजी बन के भारत दे आए सी, ते ए राजस्थान दियां स्टेटां उदों भी रजवाड़े ही सन, राजियां दी अपनियां हकूमतां सन, छोटे छोटे रजवाड़े सन, जयपुर उदयपुर अलवर भरतपुर करौली, ये सब छोटियां छोटियां रियासतां सन, पंजाब दियां भी रियासतां सन, जैसे कि पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला। तो अलवर दे च एक नियम सी, जेड़ा बच्चा स्कूल दे च तीन दफा फेल हो गया फिर उसनु कढ दियो, उनु कहो कोई होर काम करे, ये पढ़ना लिखना तेरे काम का नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਚੌਥੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 3ਜੀ ਦਫ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6ਵੀਂ ਦੇ 3ਜੀ ਦਫ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਾਲਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40-42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਈ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਈ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਬਾਈ, ਚਲੇ ਆਉਣ ਅਸੀਂ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਆਗਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਰਹੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦ ਤਨ ਤੋਂ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 5-4 ਬੰਦੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਲੀ ਬੇੜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਲੋਕੀ ਮੂੜ ਕਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬਿਆ, ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਠੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਖਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਜ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जिसनों मैं अजे अपने मन का हिस्सा नहीं बनाया, जो मेरे मन का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने मैं की मनिया नहीं मनिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवें नहीं मन नू गुरु कह दिता, मनुआ गुरु मुर मन सा माई जिनमो को शुभ किरिया पढ़ाई। ये मन मेरा गुरु है, मन नहीं तो परमात्मा नू प्रगट कर दिता। मन ने मनिया ते मनिया की मन ही जोत स्वरूप हो गया। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जिसने मन लिया महाराज कहते ने एक मसला हो रहा है, समस्या हो रहा है, जिसने मन के जान लिया वह जना नहीं सकता। एक साइंटिस्ट नू कुछ लभे है, एक विज्ञानक नू कुछ लभे है तो उसने जाने है, उदा वो प्रत्यक्ष प्रमाण रख देंदा है, बाकी साइंटिस्ट उस नाल सहमत हो जाते। इस वास्ते फिर के कतई विज्ञान की दुनिया च नहीं बने, और झगड़ा भी नहीं है, खून खराबा भी नहीं है, धर्म की दुनिया च है। धर्म का जिसनों अनुभव है, एक ते ओ पुरुष है जिसनों अनुभव होया, फिर एक ओ ने जो उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते ने उन्हों मन देने। हुण उन्होंने मनिया उन्हों बारों देख के, जिमें हुणे मैरिज कीती है, मैं किसी का नाम जानना, उदे परिवार नू जानना, परिवार के मैंबरां नू जानना, उदी गोत जानना, उदा मजहब जानना, यह सारी जानकारी मेरी बाहर दी है, ये अंदरूनी जानकारी नहीं है, ये अनुभव नहीं है। इसी तरीके दे नाल इन्हां महापुरुषां दे आले दुआले बैरूनी जिहड़ी जानकारी आउंदी है, फिरके खड़े हो जांदे ने, टोले खड़े हो जांदे ने, बड़े संघर्ष आउंदे ने, खून खराबे आउंदे ने, ये भी महसूस करदे आ। चार महापुरुष मिडिल ईस्ट देश पैदा होए, मूसा होया, ईसा होया, जरदरस्त होया और मुहम्मद साहब होए। मेरा ऐसा अनुभव, अगर चारों एक कोई समय आउंदे तो इन्होंने एक दूजे नूं गलवकड़ी च लैणा सी, पर चूंकि समा दा गैप पा के होए ने, अंतराल दे नाल होए ने, 3000 साल पहले मूसा सी, गालबन 2000 साल पहले ईसा सी, 1700-1800 साल पहले जरदरस्त होया, तो गालबन 1450-1400 साल होए मुहम्मद साहब नूं। तो समय दा अंतराल है, उस कारण करके मुसलमान यहूदी नूं गलवकड़ी च नहीं लै सकदा। यहूदी ते ईसाईयत काफी लंबे समय तक दुश्मन रहे ने, ये भी मैं अर्ज कर दिया। अज भी अरब इसराइल यहूदियां ते मुसलमानां दी नहीं बनती, एक दूजे दे जानी दुश्मन ने, पर वह चारें जे किधरे एक समय च आउंदे, समय का अंतराल ना आउंदा, तो उन्हां चारां ने गलवकड़ी च एक दूजे नूं लैणा सी। ये ठीक है, खून खराबा ते भारत दे च ना होया महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या कृष्ण राम दे नां ते, पर दूरियां ते हैं। पर यह भी किधरे एक ही वक्त हो जांदे ना, एक ही वक्त इन्हां ने भी गलवकड़ी पानी सी, यह भी मैरस कर देना। एक थां ते बैठना सी इन्हां ने, जिवें गुरु नानक ने रामानंद नूं, फरीद नूं, कबीर नूं, त्रिलोचन नूं, रविदास नूं इको थां ते बिठाया है, उन्हां सारयां ने गलवकड़ी पानी सी, पर समें दा अंतराल पा के होए। किधरे 5000 साल पहले श्री राम ते 500 साल पहले गुरु नानक, समय का गैप बड़ा है, समय का अंतराल बड़ा है। तो आले दुआले इन्हां महापुरुषों के जो भीड़ कट्ठी हो जाती, वह बाहरों जानते हैं, उन्हां कोल अंतरीव ज्ञान नहीं आता, उन्हां कोल अनुभव नहीं आता। जैसे एक मनुख नूं मैं बाहरों जानता, मैं हुणे ही अर्ज की है, सिर्फ एक दफा फिर दोहरा दें, मैं जानता रहिंदा कित्थे, इहदा नाम की है, इहदे परिवार के मैंबर कितने ने, इहदा रंग रूप की है, मजहब की है, बस मैं इतना ही जानना,
कहते सारी जानकारी बार दी है। यह इंज कह लो उसके नाम बारे मैं जानता, मैं उसनु नहीं जानता, मैं उसके परिवार बारे जानता, मैं उसनु नहीं जानता, मैं उसके घर बारे जानता कित्थे रहिंदा है, मैं उस मनुख नु नहीं जानता, मैं उसके मजहब बारे जानता, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मैं उसनु नहीं जानता। इतने मजहब बारे जानना हो गया, तो उसके घर बारे जानना हो गया, तो उसके परिवार बारे जानना हो गया, वो की है? ये कोई जानना थोड़ी है। दरअसल महापुरुषों नूं भी लोकी सब बारों बारों ही जानते हैं, किस कुल दे च पैदा होए, रंग रूप की सी, भाषा की सी, आख्या की है, उन्हां दे अनुभव की सन, कदी कदाई कोई पहुंचता है उन्हां तक, कदी कदाई। मैं जन्म साखी च एक गाथा पढ़ी, मरदाने की घरवाली मरदाने ते गिला करती है, भई मुस्लिम बीबियां मैनू ताना मार दियां ने, तेरा आदमी एक हिंदू फकीर दे पिछे रबाब चुकी फिरता है, मुसलमान औखे। ते मरदाना अपनी घरवाली नू कहिंदा फिर तू की जवाब दिता है? मैं की जवाब देंदी, मैं चुप रह गया। वाकई वो बेदी कुलभूषण ने, बेदियां दी कुल दे च पैदा होए ने, असी मुसलमान, जैसे कबीर दी मां कहिंदी सी हमारे कुल कौने राम करो, साड़ी कुल दे च किसने राम आके, असी अल्लाह अल्लाह करन वाले मुसलमान, ये साड़े घर पैदा हो गया, कबीर राम कहिंदा है, हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपूते तब ते सुख न भयो। जिस दिन दी इसने हाथ दे च माला पकड़ी है, साडे घर सुख है ही कोई नहीं, निरा ही दुख। कबीर दी मां, एक कबीर दी मां भी कबीर नू बारों बारों ही जानती है, यकीन जानो कबीर दा अनुभव मां कोल भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कबीर दी सूझबूझ, कबीर दी अवस्था ये मां कोल भी नहीं है, वरना इतना होना कहती, और इस तो भी ज्यादा आख्या है, सात सूत इन मुंडिया खोए, ए मुंडिया क्यों ना मोए। घर दे च पैसे नहीं सनते, जो सूत कतिया सी ना कबीर दी मां ने ते लोई ने पत्नी ने, उस सूत वेच के ते लंगर चला दिता, घर दे साधु बहुत आए, शिवरात्रि दा दिन सी, 25-30 साधु आ गए कट्ठे, रोज ते एक दो आंदे सन, अज 25-30 कट्ठे आ गए, तो सत रंग दा सूतर वेच के ते लंगर बना के उन्हां नूं छका दिता। मां कहिंदी है जमदिया ही मर जांदा चंगा सी, बहुत दुखियां सी इस तो, ये मुंडिया क्यों ना मोया, ये ते मर जांदा, असी इस तो औखे, इन्हें ते कलेश पाया होया। ये मां है जो कबीर तो इतना दुख अपना व्यक्त कर रही है, इतनी जो है बेजारी व्यक्त कर रही है। मरदाना कहिंदा अपनी घरवाली ने तू की आख्या, मैं की आखना सी, ठीक मार दिया ने ताना, नहीं तू कहना सी मैं जिस दे पिछे रबाब चुकी फिरदा वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ते राम दा रूप है, वो ईश्वर है, वो गुरु है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं, किसे फिरके दे च बंद नहीं आता, वो किसे दायरे दी गिरफ्त दे च नहीं आता। घरवाली यकीन नहीं करती, कहती अगर ऐसा है साढ़े घर ते कदी आया नहीं, ते ना कदी भोजन छकिया सी मुसलमान शूदर, वो बेदी कुलभूषण, अगर एहोजियां दी गल है सारे उसकी निगाह च एक कोई ने, तो किसे दिन साढ़े घर भी आ। मरदाना कहिंदा फिर अज इंजी सही, तू बना लंगर, भोजन बना, जो कुछ है घर दे च बना, मैं बाबे नूं बुला के लैना। घरवाली कहिंदी मैं बनाना ते है, बना देंदी हां, वो नहीं आएगा, वो बेदियां दा मुंडा, वो बेदी कुलभूषण बड़ी उच्ची कुल है, साढ़े घर नहीं आण लगे, ते फिर मेरे हद का भोजन, मैं मुसलमान ही, असी मुसलमान,
पता है मर्दाना की कहता, जे ना आए तो फिर यारी टुटी। मर्दाने ने भी कह दिता, जे ना आए तो यारी टुटी, पर तू यकीन रख साड़ी यारी नहीं टुटेगी। चले है, पर यह सोचनी भी है किधरे अपनी घरवाली दे कोलों शर्मसार मैनू ना होना पै, बाबा जवाब ना दे दे। ये सोच के जा रहा है, मैं जिस दिन जन्म साखी पढ़ रहा सी, इसनों हुण पंजाबी भाषा विभाग जो पंजाब गौरमेंट का महकमा उन्होंने छापे नवी जन्म साखी हरदास दी लिखी, बड़ी सोहनी इस दे च गाथा। मरदाना जा रहा है मन दे च ये सोच के, अपनी घरवाली दे कोलों किधरे मैनू शर्मसार ना होना पै, जा ही रहा है। अजे 200 कदम ही चलिया होना है, बाबा जी रस्ते च मिले, सलाम कीती, सजदा कीता, सुभाविक पुछ लिया बाबा जी किथे चले। तो सतगुरु कहिंदे ने मरदाने अज सवेरे दा जी कर रहा सी, दोपहर दा लंगर तेरे कोल छक लैंदे आ, भोजन तेरे कोल छक लईए, चल। रो पिया, चीख निकल गई मरदाने दी, बाबा एक निक्का जिहा किणका शक दा आ गया सी। गुरु ते ओ है, और वास्तविक गुरु ओ है जो हिरदे दे शक नूं मिटा देवे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसकी होंद, अंदर दे सारे शक दो देवे। आ गया सी शक, बाबा दूर हो गया। वाकई तू सांझा है, जिस तरह सूरज सांझा होंदा है, इस तरह ही अवतारी पुरुष ते संत सांझे होंदे ने, और जो सांझा ने उसनु संत कहण दी लोड़ भी नहीं, अवतार कहण दी लोड़ नहीं। उस सूरज नहीं होवेगा, किसी घर का जलदा होया, टिमटिमांदा होया कोई दीवा ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त नाल बुझ जाएगा। ये भी मैरस करते हैं, वो सूरज नहीं होवेगा। खैर, इस भूमिका नो मैं बहुत लमकावा ना ते बतावा ना, परमात्मा का नाम जिन्हां दे मन का हिस्सा बन गया, इसनों कहिंदे ने मनन। जो जो मैं मने है उही मेरा मन है। ये भी मेरी अर्ज सरवण करनी कौर नाल, जो मैं मने है उही मेरा मन है। अगर मैं लक्ष्य नूं साधन की तरह मने है, ते साधन नूं लक्ष्य की तरह, जैसे मैं इतों किसी शहर पहुंचना है, कार, बस, रेल, हवाई जहाज साधन हो सकती है, पर मैं साधन नूं लक्ष्य की तरह वरत लवां, कार विच बैठा तो हुण मैं उतरना ही क्यों है, बस कार विच बैठना ही मेरा लक्ष्य, तो मैं साधन नूं भुल जाव, लक्ष्य नूं भुल जावां जिथे मैं पहुंचना सी। लोकी परमात्मा नूं, धर्म नूं, गुरुआं नूं साधन की तरह वरतते हैं, लक्ष्य की तरह नहीं। मनोरथ है परमात्मा, मनोरथ है ईश्वर, मनोरथ है गुरु। परिवार का मिल जाना, धन का मिल जाना, संपदा का मिल जाना, ये रस्ते दे पड़ा होने साधन है। पर हुण परिवार ही जीवदा रहे और सदीवी रहे और धन ही वधदा रहे, हमेशा वधदा रहे, ए गुरु असी इस वास्ते ही तेरे को आए, और कोई मतलब नहीं है। ए प्रभु तेरा नाम इस वास्ते जपदे पाया। तो हुण परमात्मा साधन बन गया, परिवार लक्ष्य बन गया, धर्म साधन बन गया, धन लक्ष्य बन गया, धर्म छोटा हो गया, संसार वड्डा हो गया। ये लोग संसार नूं मन के निरंकार की इबादत पे कर दे, निरंकार नूं मन के निरंकार की इबादत नहीं कर रहे। ये दुनिया साधन की तरह गुरु नूं वरत रही है, और जब साधन की तरह वरत रही है तो साधन नाल मोह भी हो जाएगा। अगर मोह हो गया तो परमात्मा नूं भुल गए, तो मैरस करा किधरे किधरे धर्म ये भी माया बन जाएगा। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ा सोहना कहते हैं, माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे,
किधरे परिवार रोकता है, किधरे बंधु रोकते हैं, किधरे धन संपदा रोकती है, किधरे इष्ट भी रोक देवे। इष्ट इष्ट नाल इतना मोह हो जाए भी मेरा ही इष्ट वड्डा है, बाकी सारे एवें ही ना है। जिन्हों मैं मनदा बस यही महान है, बाकी सारे एवें ही ना है। और मैं उस नाल इतना जुड़ गया हूँ, इस तो अगे परमात्मा की मैं सोचता ही नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इष्ट भी माया हो गया, इष्ट भी माया है। कुछ जगत विच इस ढंग दे काफी अनुभव देखण नूं मिलदे ने। इष्ट नूं साधन दी तरह लै के परमात्मा नूं लक्ष्य रखे और इष्ट नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए। कर्म कांड नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए, परमात्मा दा रूप हो गए। किधरे पकड़ के ना बैठ जान तो ऐलानिया तौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता, जो हम को परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परे। बड़ी हिम्मत। रूहे जमीन ते पहला अवतारी पुरुष है जिसने इतना ऐलानिया कह दिता है। क्यों? मनुख दी कमजोरी देखी सी। इष्ट ही भगवान बन गए, इष्ट ही परमात्मा हो गए और परमात्मा नु बोल गए। तो फिर इन्हां लोकां ने इष्ट नु भी माया बना दिता। जिवें कोई परिवार करके रुक गया, कोई धन करके रुक गया, कोई पदार्थां करके रुक गया, कोई इष्ट करके रुक गया। तो फिर इष्ट भी माया बन गया। माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। सूफी फकीर शेख शरफ ने गुरु नानक नु पुछिया सी, तुसी कौन हो? थोड़ी होंद, थोड़े विचार, थोड़ा साडे कोले बैठना, साडे मन तक बड़ा सोहना प्रभाव पा रहा है। थोड़े कोल बैठना सानू इंज महसूस हो रहा है जिवें अल्लाह कोल बैठे, अल्लाह दी याद चलती पई है। थोनू देख के बहुत सोहने विचार हिरदे चलते पै ने। तुसी कौन हो? महाराज ने जो कुछ इत्थे जवाब दिता है बस मैं बाणी थानू सरवण करा रहा, अर्थ तुसी खुद करना। मानस मूरत नानक नाम, कौन हो तुसी? मानस मूरत नानक नाम। चलो एक पंक्ति दे अर्थ कर दें, मनुखा और इस मनुख दा नाम नानक है। बंदा बंदे दा नाम नानक है। मानस मूरत नानक नाम, करणी कुत्ता दर फुरमान। शेख शरफ पैरी पै गया, सजदा करता है, कुर्बान जांदा है। बाबा ए वली अल्लाह थानू वेख के थोड़े कोल बैठ के सानू अल्लाह चेते आया है, रब चेते आए। तुसी कुछ भी पै आखो सानू अल्लाह चेते आया है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अवतार पीर पैगंबर संत महंत इन्हां नूं भी परमात्मा दे रस्ते च उपयोग दी तरह लै सकदे आ, पर उत्थे ही रुक गए, उत्थे ही रुक गए। तो यह भी माया बन गए, यह भी मैरज करदे आ। क्योंकि महाराज दी बाणी कहिंदी है, अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो बेअंत है, बेअंत है, सदीवी है। साहब कहते इस तरह का अनुभव परमात्मा का जिसनों प्राप्त होया है वो ही जानता है, पर वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं दे सकता कि ऐसा होता है परमात्मा और ये है मेरी अवस्था। अगर वाकई वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे देंदा तो अज तक जितने संत सूली ते चाड़े गए, तत्ती तवी ते बिठाए गए, बंद बंद कटे गए, कतल किए गए, जहर का प्याला दे के मारे गए, ये ना आता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। इत ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जेने जाने है सो जाने है। उसका निजी अनुभव है, जना नहीं सकता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं दे सकता। और ऐसा पुरुष ईश्वर का रूप हो गया होंदा है, ईश्वर का स्वभाव उसके अंदर है। ईश्वर आनंद है तो आनंद उसके अंदर है।
ईश्वर जन्म मरण तो रहे तो जीवन की लालसा ते मरण का भय उसके अंदर नहीं है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत न जन्म जरा। परमात्मा महारस है तो महारस उसके अंदर है। तो खैर लमकावा ना। साहब कहते हैं जिसने भी मन लिया मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। इतने सुरत तो मुराद है समझ। उसके मन को समझ आ जाएगी भाव उसके अंदर विचार चलनगे परमात्मा मई। उसकी बुद्ध जो फैसला करेगी निर्णय करेगी सही करेगी कतई गलत नहीं करेगी। उसका फैसला किसी नूं काबले कबूल है या नहीं यह गल नहीं, पर उसका फैसला गलत नहीं होगा क्योंकि उसने परमात्मा नूं मनिया है ते परमात्मा उसके मन का हिस्सा है। इस वास्ते उन्हों समझ होगी। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन नू समझ होगी बुद्ध नू समझ होगी भाव अंदर विचार ईश्वरमई चलणगे उहदा फैसला बिल्कुल सही होगा गलत नहीं होगा। हां जी मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध। इस तरह के पुरश नू सारे खंडा ब्रह्मंडा की समझ होगी। कारण शरीर सब दे अलग अलग ने मन भी सब दे अलग अलग ने, पर जो आत्मा दे तल ते जी रहा है परमात्मा दे तल ते जी रहा है जिसका मन जोत स्वरूप हो गया है वो ते व्यापक हो गया एक हो गया तो उसनु सब कुछ दी समझ है। इस तरह के पुरुष नु अंतर्यामी कह देंदे ने। ऐसे पुरुषां ने प्राचीन जमाने जड़ी बूटियां दे सुभा लिखे ने। वह धनंतर ने 3000 जड़ी बूटियां का सुभा लिखे है। मैं समझदा इस छोटी जी जिंदगी 3000 जड़ी बूटियां का सुभा एक गर्म तर ने सर्द तर ने खुश्क ने की ने किड़े किड़े रोगां दे कम आ सकदियां ने। यह ताही मैं समझदा लिखिया जा सकदा कोई आत्मा दे तल ते जी रहा सी ते आत्मा ते सारियां दी कोई है तो उन्हों सुभा सारियां दा पता चल गया। इस तरह का मनुख यह भी समझ सकदा है कि कीड़ी अंदर की सोच रही है ये मछली दे अंदर की चल रहा है। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर गुरु नानक। हैरानगी दी गल। इहदा मतलब मच्छी भी कुछ बोलती है हिरन भी बोलते हैं पंछी ते बोलते हैं आवाजा असी सुनते हैं हर एक कोल कुछ ना कुछ अपनी बोल अपने इशारे हैं। पर वह मनुख समझण लग पैंदा है जो आत्मा दे तल ते उत्थे जो है जीवंदा है। साहिब कहिंदे ने इस तरह के पुरश नूं सारे भवनां दी सारे खंडा ब्रह्मंडा दी समझ आउंदी। हां जी मन मोह चोटा ना खाए। जो ईश्वर दे नाम नूं मनदा है भाव ईश्वर जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है विकारां दीआं चोटां उस दे मूंह ते नहीं पैंदियां। मनुख क्रोधर होवे उहदीआं अखां ते चेहरा दसदा है। मनुख लोभ दे च ग्रसिया होवे उहदा अखां ते चेहरा दसदा है व्यवहार दसदा है। वासना उस दे अंदर असीम है उस दी अखां ते चेहरा दसदा है। इंज विकार दी चोट चेहरे ते पैंदी है। परमात्मा जिस दे मन दा हिस्सा बन गया विकारां दी चोट उस दे मुंह ते नहीं पैंदी। उस दा मुखड़ा जिन्हां दे संदड़िया मेरी दुरमत वंजे मित्र असाडड़े सही। उस दा ते मुखड़ा ऐसा होवेगा वेख के प्रभु चेते आवेगा। मैं इतिहास दे च पढ़िया है मीरा जिस जिस पिंड चो लंघी और कली तनहा जंगलां विच रही दुष्ट तो दुष्ट भी जद उस नूं वेखदा सी उस दे अंदर पवित्रता पैदा हो जांदी सी भावें कली स्त्री जंगल विच। उसकी पाकीजगी उसकी पवित्रता उसकी प्रेमा भगती जो उसके शरीर के राही बाहर निकल रही सी जो वाइब्रेशन जो तरंगा बनदियां सन दुष्ट दे हिरदे नूं भी प्रभावित कर देंदियां सन। नहीं इह ते कोई देवी है। और वह जे सिर झुका के नहीं लंघिया तो कम से कम बेदाग होकर लंघ जांदा सी कोई गल नहीं। वरना एक स्त्री का उस जमाने जंगलों में कल्लियां भ्रमण करना और रुखां तले रात कटनी क्योंकि घरों ते कढ दित्ती गई सी पर उसकी पवित्रता इतना प्रभाव पा रही सी उदी तर्जे जिंदगी इतना दूजियां नूं जो है प्रभावित कर रही सी जिसके बारे गुरबाणी कहती है संत के संग नहीं कछ गाल दर्शन भेटत होत निहाल। तो मन ने सगल भवन की सुध मन ने मोह चोटा ना खाए
उहदे मूंह दे उत्ते विकारां दीआं चोटां नहीं पैंदीआं क्योंकि उहदा मुखड़ा परमात्मा मई हो जांदा है, ईश्वर मई हो जांदा। हां जी, मुन्ने जम के साथ न जाए। इस तरह का पुरश है, इस जीवन की समाप्ति तो बाद जन्मां दे चक्कर दे च नहीं पैंदा, मुड़ के उसका जन्म नहीं होंदा। जमां दी मार, जन्मां दी मार, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे, मुड़क मुड़ के नहीं जन्मदा, उसका कोई जन्म नहीं आता। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा निर्लेप है, तबियां तो रहत है। हाँ जी, जे को मन जाने मन पर जेड़ा जानदा है ओही जानदा है। बाकियां दो पौड़ियां नूं मैं कल खुलासा कर देंगा, ते कल इस दौर दी इस स्थान ते आपकी आखिरी सेवा होगी, तो इस तरीके नाल शायद 15 पौड़ियां हो जाएंगियां। भावें एक एक पौड़ी अपने विच बहुत गहराई रखती है, बहुत तुच्छ बुद्धि अनुसार जितनी गुरु नानक देव जी महाराज समझ देंदे ने आप जी दे सामने खुलासा कर रहे हैं। मन लैण तो मुराद यह ना लेना मैं दोहरा भी असी गुरु नूं मनदे आ तां ही ते गुरुद्वारे आया, नहीं ये मनना नहीं है। असी गुरु नूं मनदे आ तां ही ते गुरबाणी पढ़दे पाए, असी गुरु नूं मनदे आ तां ही ते सेवा करदे आ लंगर दी, नहीं। अजे गुरु साडा अनुभव नहीं बनिया, ये मनना इंज है भाई मैं मनदा ये भोजन है, मैं मनदा, मैं ये भी मनदा फलाने ने बनाया है, मैं मनदा, पर ये भोजन मेरा शरीर का अंग नहीं बनया, ये मेरा खून नहीं है, ये मेरी मिंज नहीं है, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरिया हड्डियां नहीं है। आए हैं गुरुद्वारे ठीक है भोजन की खिच, पर जिस दिन मन लेगा, मन गुरु मन का हिस्सा बन जाएगा और गुरु नूं कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। अज इतने विचारां प्रवान करनिया, कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की, क्योंकि दो पौड़ियां ने अगे मन्ने दियां, मैं चाहना है दोवां दी विचार कल आप जी दे सामने रख देंगे। प्रथम है मन्ने मार्ग ठाक न पाए, ते फिर होर चौथी है मन्ने पावे मोख द्वार मुक्ति, सारे बंधन उस दे टुट जांदे ने जीवदे आ जी। इस अवस्था नूं कल आप जी दे सामने रखांगे। हुण आप एक शब्द गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो, नाले आनंद साहब दा पाठ ते समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, बुल चुक दी शमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।